हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद ही आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सैटरडे संडे को प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए मथुरा और वृंदावन 2 दिन के लिए बाहर था, तो आज वापस आया हूँ एक नई एनर्जी के साथ, एक नए विश्वास के साथ। डे टाइम में जो हमने ट्रेड शेयर किए, सब ने अच्छा पैसा बना के दिया। लास्ट वीक में भी जो ट्रेड शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पर, सब ने काफ़ी बेहतरीन पैसा बना के दिया है। कुछ लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि सर हमको FNO ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो सर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ग्रुप है वो केवल उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिस्क और रिवार्ड को समझते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको फिर भी लगे कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं सर इस वीक का पहला वीडियो, जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा शाम को, और तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जहां पे हम 5 ट्रिक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर प्लस, जहां पे पैसा डबल प्लस के रिटर्न हमें दे सकता है। तो अभी चलते हैं सर स्टॉक्स की तरफ। लिबर्टी शू डे टाइम में मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे भी और अपने क्लाइंट्स के साथ भी। अच्छा सेटअप बन के आ रहा है। MACD आप देखिए ब्रेकआउट देने वाला है, इसके ऊपर टिक करके रेड लाइन के ऊपर जाने वाला है। RSI देखिए ओवरसोल्ड जोन से बाइंग जोन की तरफ आ गया है, और आज के दिन में ये जो रेड लाइन है इसको टिक करके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। आज का वॉल्यूम कम है बट ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम कम है बट ग्रीन कैंडल है। 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा, 140-141 के आसपास अगर अपने को मिलता है तो इसको बाय कर सकते हैं। 155-170 इंच शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इसमें व्यू और देखना चाहें तो 190 के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 190 पे जाएगा उसके बाद हम फिर से प्लान करेंगे कि स्टॉक में रहना है, रुकना है या आगे बढ़ना है। अच्छा स्टॉक है बाटा और लिबर्टी इशू का। जैसे मार्केट में जो मोनोपोली होती है, बाटा की मोनोपोली है, लिबर्टी इशू का भी अच्छा मार्केट शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के व्यू से भी कोई रखना चाहे तो इसको रख सकता है। जोटा हेल्थ, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और हो सकता कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से ही हो। आप ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। RSI है वो बाइंग जोन में है, गुड बाइंग जोन में है। ओवरसोल्ड तो ये गया नहीं बट इसने टच किया है, बाइंग जोन के अंदर है, और आज ही इसने जो RSI की जो ये रेड लाइन है इसको क्रॉस किया है। दूसरा इंडिकेटर है सर अपना MACD, ये देखिए MACD भी आपको क्रॉसओवर दिखा रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। तो ये सिचुएशन है, ये इंडिकेशंस हैं कि हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में आप 2 से 4 वीक के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमने को 296 और 335 ये टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं 420 रुपीज तक के टारगेट के लिए। स्टॉक अभी 260-270 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो करीबन आपको 150 रुपीज तक ये आपको दे सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। मिड टर्म आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, 9 मंथ भी हो सकते हैं, तो अपनी ट्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें सर। नेक्स्ट होगा सर Paytm। अब ये देखिए कई दिनों के बाद Paytm जी थोड़ा सा इस रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये ब्रेकआउट आया है, इसको और फाइन करें ना तो अभी इसमें है थोड़ी सी कसर। इसका MACD है जो वो अच्छा लग रहा है, MACD है, RSI है, वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे 700 की रेंज में आप इसको बाय कर सकते हो। अब ये जो है ना गैप फिल, ये गैप भी फिल होने वाला है, 780 के पहले टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें शॉर्ट टर्म में अगर व्यू है तो। शॉर्ट टर्म में 780-840
और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सर इसको अभी बाय कीजिए। आपको मैं इसका एक बार वीकली कैंडल दिखा देता हूँ, ये देखिए हाइट कहाँ तक हो सकती है, पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपने को 10-30% के रिटर्न मिले, फिर वहाँ पे प्लान करेंगे कि कितनी क्वांटिटी को होल्ड करना है, कितनी क्वांटिटी को छोड़ना है, कितनी क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक करना है। तो फिलहाल तो यही है दोस्तों, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं पहले से, फिर बाद में इसको क्रॉस चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर कितने समय तक के लिए और रुकना है। नेक्स्ट होगा सर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कभी ये स्टॉक 150 के अराउंड था, ये आपको मैं आपको वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ एक बार जस्ट व्यू के लिए। ये देखिए ये यहाँ पे 150 के अराउंड था स्टॉक, तो अभी 70 के अराउंड मिल रहा है, मतलब 50% डिस्काउंट पे। अब यहाँ पे ये वीक अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो वीकली का मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, जो अच्छा बुलिश साइन है। तो यहाँ पे एक रीजनेबल क्वांटिटी अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक पैसा डबल धमाका स्टॉक भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि डिविडेंड टाइम टू टाइम बाहर आता रहता है, प्रॉफिट जो कंपनी बनाती है प्रॉफिट उसको आपको डिविडेंड के रूप में आपको वापस दे देती है। तो इसमें थोड़ा डबल टाइम ले, डबल होने में समय लग सकता है, पर कंपनी अभी अच्छे सिचुएशन पे है जहाँ पे आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली पैसा आपको मिलेगा। मैंने ये स्टॉक बाय किया है, मेरे पोर्टफोलियो मैंने ऐड किया है पिछले वीक में ही मैंने ये जो कैंडल थी इस वीक में मैंने अपने कुछ पोजीशन बनाई है इसके अंदर। नेक्स्ट होगा सर प्योरली शॉर्ट टर्म, पहले शॉर्ट टर्म का व्यू देखते हैं। मैराथन नेक्स्ट जन, ये चलो एक बार आपको मैं डर एक बॉक्स बना के देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए सर ये बढ़ रहा है स्टॉक, ऊपर की तरफ जा रहा था, ये ब्रेकआउट आया है डायरेक्ट बॉक्स का। अब इसके ब्रेकआउट पे हमको क्या लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ से हम 10-30% तक के रिटर्न अपने को मिल सकते हैं। तो रिटर्न स्टॉक दे सकता है सर, क्या हम उसे टाइम पे बुक करेंगे वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो सबका अलग अलग होता है। अभी इसका व्यू देखते हैं थोड़ा सा लंबा, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हमने कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये देखिए ये आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न पैराबोला नजर आ रहा है। ये एंट्री 82-85 के अराउंड हमने पहले कभी एंट्री ली थी इसके अंदर, तो स्टॉक हमारे पास पहले से ही है। तो आप देखेंगे 82-85 वाला जो लोग है उनका पैसा डबल प्लस हो चुका है, वो ट्रिपल होने के पूरे चांसेस है जब ये 250 प्लस 240 क्रॉस करेगा। तो ये धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे तो पैराबोला राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करते हुए नजर आ रहा है। 220-206 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी, तो शॉर्ट टर्म में 225-250 के टारगेट के साथ और थोड़ा सा मीडियम टर्म में 300-320 के टारगेट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। स्टॉक अच्छा है, आपको डेफिनेटली पैसा बना के देने वाला है। नेक्स्ट होगा सर सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन में आप ये देखेंगे कि करीबन एक पैरेलल चैनल चल रहा है, ये अच्छा ऑप्शन होता अगर कोई यहाँ पे इसको पिक करता। तो आज भी जिसने इन्वेस्ट, ये आज भी डिस्कस किया गया था कुछ लोगों के साथ, तो आज भी जिसने इसके अंदर पैसा डाला होगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा बना रहा है अभी भी आज के दिन भी। स्टॉक एट प्रेजेंट क्लोज हुआ है 137 पे, 148-150 ये पहली रेंज है सर, 148-150 पहली रेंज टारगेट की, देन 175। पहले इसको हम शॉर्ट टर्म व्यू के लिए ही ट्रेड करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट व्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले शॉर्ट टर्म व्यू को चाहते हैं। उसके बाद ये हो सकता है स्टॉक 220-240 के टारगेट भी दे दे, हो सकता है यहाँ से डबल भी चला जाए, बट पहले प्योरली शॉर्ट टर्म व्यू है सर। ये स्टॉक्स हैं, पहला व्यू हमारा शॉर्ट टर्म का ही है, सेल को छोड़ के, सेल लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करेंगे। 2-3 साल में यहाँ से पैसा डबल कर सकता है मुझे लगता है, तो लेट्स सी। मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, हम सबकी इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करेगा स्टॉक, तो लेट्स सी समय बताएगा सर इसके बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही था सर, एक कुछ लोगों की
रिक्वेस्ट थी कि इसके बारे में बताइए, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ग्रुप है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप है सर, उसमें हम डेली आपके साथ 2 से 4 कॉल शेयर करते रहते हैं, वो 2 से 4 कॉल आपको आराम से। अब देखिए ये कुछ लोगों ने, ये लास्ट वीक की सर 1500 की सी 95 पे हमने बाई की थी, आज वो 210 के करीबन निकली है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना प्रॉफिट बना होगा। एक ये बिरला सॉफ्ट का सी थी सर, ये 360 की सी थी, ये भी पैसा डबल करके गई, मोर देन डबल, 7 रुपये पे हमने बाई की थी, 15 रुपये तक गया था, प्लस गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की सी भी हमने यूज की थी, 2.6 से 4 रुपीज़ तक, ये तो सर 8000 रुपये पर लोट का प्रॉफिट भी निकला है लोगों का। ये निफ्टी का ट्रेड है, किसी दोस्त ने प्रॉफिट बुक करके स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये क्लाइंट का स्क्रीनशॉट है सर, करीबन 50,000 का गेन है सर इनको, एक पोजीशन अभी भी होल्ड पे थी जो इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बना इनको यहाँ पे। तो लोगों का पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन रहा है। ये देखिए पॉलीकैब का किसी क्लाइंट ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, 52 से 60 पे निकाल दिया इन्होंने। ये दूसरे क्लाइंट का है, 52 पे बाई किया, 59 पे, इन्होंने 2 लोट भी आई किए थे तो इनको 4500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो कॉल्स अच्छी चल रही है सर, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं सर। तो रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ अच्छे ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए ज़्यादा कमा के दे सकता है। तो आज के वीडियो में सर इतना ही है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको रेगुलरली अपडेट मिलते हैं, अच्छे स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, पोर्टफोलियो स्टॉक्स जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, वो स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। दोस्तों मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट वीडियो में जरूर डालें सर। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।